हेलो, आज हम एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। इस कोर्स का टाइटल है पीसी मेंटेनेंस टेक्नीशियन। पीसी मेंटेनेंस टेक्नीशियन, इस कोर्स में हम बेसिकली किस तरह से पीसी को असेंबल करते हैं, असेंबलिंग ऑफ पीसी, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन, किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है, ड्राइवर इंस्टॉलेशन, किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल किया जाता है, एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन, किस तरह से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, एडिशनल डिवाइसेस इंस्टॉलेशन किस तरह से एडिशनल डिवाइसेस को इंस्टॉल करते हैं, ट्रबल शूटिंग, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, इस कोर्स में इसको हम कवर करेंगे। हमने एक चीज का खासकर ध्यान रखा है, खासकर इस कोर्स में एक चीज का ध्यान रखा, और अक्सर हम इस हर कोर्स में हमारे उस चीज का ध्यान रखते हैं कि हमारे काफी स्टूडेंट है जो नॉन इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हैं, जिनकी मीडियम ऑफ स्कूल, जिसकी मीडियम ऑफ स्कूल जो था, जिसकी स्कूल के लैंग्वेज, जिन्होंने अपनी स्टडी इंग्लिश मीडियम में नहीं की है, किसी ने हिंदी में या किसी ने मराठी में, किसी ने गुजराती में, किसी ने उर्दू में अपनी स्कूल पूरी की है, अपने स्कूल का एजुकेशन इस लैंग्वेज में पूरा किया, तो उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है इंग्लिश को समझना। उनकी इंग्लिश वीक होती है और उसकी वजह से वो इंग्लिश में इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं और उनको लेक्चर्स को समझना डिफिकल्ट होता है। तो खासकर ऐसे स्टूडेंट को ध्यान में रख के हमने हमारा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो हाइब्रिड फॉर्म में रखा है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हमने हाइब्रिड फॉर्म में रखा है। जैसे मैं अक्सर आपको बताता हूँ, पहले भी लेक्चर जो हमने किए इंग्लिश स्पीकिंग के लेक्चर की और अदर हमारे लेक्चर्स आ रहे वो सारे इसी पे बेस्ड होंगे कि हमारी जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी वो हाइब्रिड फॉर्म में होगी, मतलब हिंदी और इंग्लिश मिक्स होगी। मगर इसका जो कंटेंट है, कोर्स का जो कंटेंट है वो काफी डीप है, बट ब्रीफ में एक्सप्लेन किया गया है, ब्रीफ में पूरा किया गया है, बट डीप, बहुत डीप इसका कंटेंट है। इससे उन लोगों को भी फायदा होगा, उन स्टूडेंट्स को भी फायदा होगा जो क्वालिफाइड है और जिंदगी में बहुत कुछ वो करना चाहते हैं, वो एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए फर्स्ट स्टेप होगा और इससे वो कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं कि डेफिनेटली वो एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर सकते हैं, तो उनको भी इसका काफी फायदा है। अब हम एक चीज का ध्यान रखते हैं कि हम जब भी कोई कोर्स सीखते हैं तो कोर्स का एक पैटर्न होता है टीचिंग का, कि किस तरह से कोर्स को सिखाया जाए। अक्सर मैंने देखा है कि जिस तरह से लोगों को थ्योरी से एलर्जी है, वो थ्योरी में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, ज़्यादातर वो प्रैक्टिकल में इंटरेस्टेड होते हैं। तो हम आपको ये कोर्स थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिक्स करके सिखा रहे हैं, कंसेप्ट भी एक्सप्लेन किए जाएंगे, थ्योरी भी एक्सप्लेन की जाएगी और प्रैक्टिकल्स भी आपको दिखाया जाएगा। तो थ्योरी को काफ़ी ब्रीफ रखा गया है, प्रैक्टिकल डेमोज होंगे, और खासकर हमने कोशिश की है इनिशियली कि जो हमारा प्रैक्टिकल लेक्चर है, प्रैक्टिकल जो डेमो है, इनिशियली आपको पहले वो दिखाया जाए ताकि आपको पार्ट्स को समझना और पार्ट्स को अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट का इंटरेस्ट होता है कि जल्दी से वो प्रैक्टिकल को कर ले, प्रैक्टिकल देखें। तो चूंकि वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है तो हमने ये डिसाइड किया कि हम प्रैक्टिकल को फर्स्ट दिखाएंगे, प्रैक्टिकल लेक्चर हमारा फर्स्ट होगा, ब्रीफ थ्योरी उसके पहले होगी लेकिन प्रैक्टिकल लेक्चर फर्स्ट होगा। बट कंट्रोल आपके भी हाथ में है, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड कोर्स है, तो आप इसको चाहे तो रिवाइंड करके दे सकते हैं, फर्स्ट आप चाहे तो प्रैक्टिकल देख सकते हैं बाद में थ्योरी देख सकते हैं, या थ्योरी पहले देख सकते हैं प्रैक्टिकल बाद में देख सकते हैं, तो ये आपके हाथ में कंट्रोल है। बट हम लोग ने दोनों को बैलेंस करके इस कुछ का, क्योंकि किसी भी कोर्स को समझने के लिए विदाउट उसके कंसेप्ट को समझे हुए, विदाउट उसकी थ्योरी अंडरस्टैंड किए हुए, हम उसको कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंट के साथ हम उस पर वर्क नहीं कर सकते। जैसे पीसी, अब पीसी की थ्योरी को बगैर, उस पीसी के पार्ट को बगैर समझे हुए, उसके कंसेप्ट को बगैर समझे, पीसी का प्रॉपर परफॉर्मेंस हम जनरेट नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपका पीसी प्रॉपर परफॉर्म करे, इफिशियंटली परफॉर्म करे, तो आपको बेसिक कंसेप्ट और बेसिक नॉलेज पार्ट्स के बारे में होना जरूरी है, वरना आप असेंबल तो कर लोगे
लेकिन कई चीजें अधूरी रह जाएगी अगर आप थ्योरी को प्रॉपर नहीं समझते हो। तो खासकर आपको दोनों दोनों चीजों को मिक्स करके ये कोर्स रखा गया, प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी भी है। हमने कोशिश की कि ईच पार्ट को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जाए, ईच पार्ट को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जाए, ईच पार्ट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि इजीली आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको, कोई भी चीज को प्रॉपरली इंस्टॉल कर सको। तो खासकर हमने इस चीज का ध्यान रखा है। थ्योरी के लिए थ्योरी में हमने क्या कोशिश की है कि जो थ्योरी का पैटर्न है हमारा, फर्स्ट हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू हार्डवेयर रखा है, हार्डवेयर पार्ट्स का इंट्रोडक्शन रखा है कि हार्डवेयर के पार्ट्स कौन कौन से पार्ट्स है, इसका इंट्रोडक्शन रखा है। सेकेंड हमने इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर रखा है, सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन रखा है। और थर्ड जो है, थर्ड जो चीज हम करेंगे इसमें, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंपॉर्टेंट पार्ट्स, उसके फंक्शंस क्या है। थ्योरी को समझने के बस खासकर उसके फंक्शंस क्या है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद असेंबलिंग होगा, प्रैक्टिकल सेशन होगा, असेंबलिंग का प्रैक्टिकल सेशन होगा, इंस्टॉलेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होगी, इंस्टॉलेशन ऑफ ड्राइवर्स होंगे, और उसके बाद इंस्टॉलेशन ऑफ अदर एप्लीकेशंस होंगे, और सम कॉमन इश्यूज को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये पैटर्न ऑफ टीचिंग और इस तरह से कोर्स को हम कवर करेंगे। इस कोर्स में हम दो पीसी असेंबल करेंगे, दो डेस्कटॉप पीसी को असेंबल करेंगे, एक विद न्यू टेक्नोलॉजी होगा और एक ओल्ड टेक्नोलॉजी की असेंबलिंग होगी। न्यू टेक्नोलॉजी और ओल्ड टेक्नोलॉजी इसलिए हमने चूज किया कि आपको बैक पीरियड में भी आपको पता चलना चाहिए कि कौन सी टेक्नोलॉजी थी और न्यू आने वाले पीरियड में और इस वक्त कौन सी करंट में टेक्नोलॉजी चल रही है वो भी आपको समझना जरूरी है। तो ओल्ड टेक्नोलॉजी के लिए हमने जो मदरबोर्ड चूज किया है वो GA G41 कॉम्बो गीगाबाइट का मदरबोर्ड है और कोर टू ड्यूओ प्रोसेसर इंटेल का, इसको चूज किया है। और न्यू टेक्नोलॉजी में जो हमने मदरबोर्ड चूज किया है वो भी गीगाबाइट का ही है, H110M S2 मदरबोर्ड है, GA H110M S2 मदरबोर्ड है, और जो प्रोसेसर हमने चूज किया इंटेल का वो i3 7th generation का प्रोसेसर। अब चलिए हम एक चीज की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि इनिशियली हम इंट्रोडक्शन टू पार्ट्स की तरफ चलेंगे कि कौन कौन से पार्ट है जिससे पीसी असेंबल होता है। तो इनिशियली ब्रीफ हम उस पार्ट के नाम देख लेते हैं जिससे पीसी असेंबल होता है, और बहुत जरूरी है पीसी असेंबल करने के लिए। कंप्लीट पीसी ए पार्ट के जरिए आप समझ जाओगे इन पार्ट्स पे कंप्लीट पीसी बेस्ड है, असेंबलिंग इन पार्ट्स पे होती है। तो बेसिकली हम लोग उन पार्ट का इंट्रोडक्शन देखते हैं, उनके नाम देखते हैं जिससे कंप्यूटर असेंबल होता है। अब ब्रीफली हम उस सारे पार्ट्स देखते हैं जिससे हम कंप्यूटर को असेंबल करने वाले हैं। तो उस पार्ट्स में सबसे पहले प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है, रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, SNPS है, स्विच मोड पावर सप्लाई है, मॉनिटर है, कीबोर्ड और माउस है, कैबिनेट है, हार्ड डिस्क है जिसको फिक्स डिस्क भी कहते हैं, फिर हमारे पास पोर्टेबल स्टोरेजेस हैं, पोर्टेबल स्टोरेजेस में हमारे पास CD, DVD, पेन ड्राइव है, स्पीकर्स हैं, आज जानते हैं कि हर चीज़ ऑडियो वीडियो विजुअल्स में है, और हर चीज़ के लिए आजकल ऑडियो मौजूद है इंटरनेट पे, ये लेक्चर भी हो रहा है इसका ऑडियो मौजूद है, तो स्पीकर बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर एडिशनल पेरिफेरल्स और डिवाइसेस कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं, एडिशनल पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जिसको भी हम इंस्टॉल करेंगे, उसमें वेब कैमराज हैं, प्रिंटर्स हैं, स्कैनर्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, तो ये सारी पार्ट्स हैं जिनको आप आगे जाके हमारे साथ असेंबल करोगे और एक डेस्कटॉप कंप्लीट डेस्कटॉप पीसी को बिल्ड करोगे। बट एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, इस कोर्स का एडवांटेज उन स्टूडेंट्स को है, इस कोर्स से क्या फ़ायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा। कोर्स उनके लिए फ़ायदेमंद है जो स्ट्राइव करते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, जो कोशिश कर रहे हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, या उनके लिए फ़ायदेमंद है जो कन्फ्यूज है अपने करियर में, अपने करियर में जो कन्फ्यूज है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से आगे बढ़े, क्या करें, आइडली वो अपने घर में बैठे हुए तो कहीं से स्टार्ट उनको लेना है, तो ये बेटर वे है, यहाँ से वो स्टार्ट ले सकते हैं। एक कोर्स ब्रीफ है और बहुत क्विकली अंडरस्टैंड करके कुछ ना कुछ आप स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ तक कि आपको करियर का एक लैडर मिल जाएगा, आप
उसकी कोशिश कर सकते हो। ये कोर्स अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे स्किल्स है, बट ये कोर्स डेफिनेटली आपको आपकी स्किल्स में और फायदा देगा, ऐड करेगा। जैसे इसका खास मकसद ये से पर्टिकुलर वे का कि काफी लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डिफरेंट दूसरे फील्ड के प्रोफेशनल्स हैं, वो क्यों इस कोर्स को देखें या वो इस कोर्स को समझने की कोशिश करें, कि उनको भी फायदा, क्योंकि आज सारी चीजें बेस्ट पीसी पे है, कंप्यूटर्स पे है, और बेसिकली हम छोटे छोटे कंप्यूटर्स के प्रॉब्लम देखते रहते हैं और इन टेक्नीशियन को कॉल करते हैं। तो अगर वो लोग हैं जो इस कोर्स को देखेंगे तो माइनर प्रॉब्लम जो भी उनके पास आती है वो इजीली वो सॉल्व कर सकते हैं, उनका टाइम बच जाएगा और काम इफिशेंटली वो कर पाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो क्विक अर्निंग चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, क्विकली साइड में कुछ करना चाहते हैं या कहीं ना कहीं कुछ करके कुछ अर्निंग करना चाहते हैं विदाउट ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट किए, उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए मनी नहीं है, तो उनके लिए भी ये कोर्स काफ़ी अच्छा है। इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, वेरी वेरी नॉमिनल इन्वेस्टमेंट होगा आपका, बहुत ही नॉमिनल इन्वेस्टमेंट होगा, और अपनी पेड सर्विसेज अब स्टार्ट कर सकते हो, और कंप्यूटर मेंटेनेंस टेक्नीशियन के हिसाब से के जरिए आप अपनी सर्विसेज स्टार्ट करके अर्निंग शुरू कर सकते हो। आप मेन स्ट्रीम की अर्निंग भी हो सकती है, मेन अर्निंग भी हो सकती है आपकी, या आपके साइड इनकम भी ये हो सकती है। तो इस तरह से ये कोर्स आपको हेल्प करेगा। तो हम इस कोर्स को कोशिश कर रहे हैं कि बहुत टेक्निकली और थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली प्रॉपरली आप तक पहुंचाए। हमारी ये कोशिश है, इस कोर्स के मुतालिक आपको कोई भी क्वेरी हो या आपके सजेशंस हो, आप हमको ईमेल के जरिए भेज सकते हैं, या जो स्टूडेंट्स हमको जानते हैं, जो स्टूडेंट्स हमारे हैं, हमारी क्लास में इस वक्त बैठे हुए हैं, वो स्टूडेंट्स डायरेक्टली हमको फ़ोन के जरिए अप्रोच कर सकते हैं या पर्सनली आके मिल सकते हैं और अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं, अपने सजेशंस दे सकते हैं। तो हम अब कोर्स की तरफ बढ़ते हैं, कोर्स शुरू करने की कोशिश करते हैं। आप एक चीज़ फिर से ध्यान में रखें कि आपके पास वीडियो है, आप इसको बार बार रिवाइंड करके देख सकते हो और हमसे क्वेश्चन कर सकते हो। अब इसके बाद जो हम जाएंगे, नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा वो हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पार्ट्स की तरफ चलेंगे। बेसिकली थोड़ा ब्रीफली हमको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पार्ट्स देखने के बाद, थोड़ा फंक्शन उसके पता होने के बाद, हम प्रैक्टिकल डेमो की तरफ चलेंगे, प्रैक्टिकल सेशन की तरफ चलेंगे, जिससे आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, आपको थ्योरी को समझना है, कंसेप्ट को समझना है। किसी भी जब कंसेप्ट आपके क्लियर होगी, आपकी थ्योरी क्लियर होगी, आप में कॉन्फिडेंस एक्स्ट्रा जनरेट किया जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस एकदम कॉन्क्रीट होगा, और एकदम आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ विद कंप्लीट कॉन्फिडेंस आप किसी को बिल्ड करोगे, और आपके आप जब किसी को बिल्ड करने के बाद आपको एकदम जीरो लेवल का ट्रबल शूट करना होगा। आप जीरो लेवल पर ट्रबल शूट करोगे, जीरो लेवल के प्रॉब्लम आप फेस करोगे, बट आपके अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आपकी थ्योरी क्लियर नहीं है, तो हो सकता है कि आपको काफ़ी इश्यूज आए। आपकी असेंबलिंग जो आधे घंटे या वन आवर की जो असेंबलिंग है, वन हाफ आवर की जो असेंबलिंग है, वो सिक्स आवर्स में या डे में भी कन्वर्ट हो सकती है। इसलिए आपको थ्योरी को और कंसेप्ट को थोड़ा गौर से सुनना है और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश। तो फिर आप नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं।